अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रानी के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बनाऊंगी माश की दाल, फ्राइड दाल, जिसको मैं कढ़ाई में बनाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी, उसके लिए मैंने प्याज एक गड्ढी लिया है और मैंने उसको फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल चुकी हूँ। और ये दो टमाटर मैंने लिए हैं, स्पाइसेस मैं साथ साथ डालूँगी तो आप देखते जाए। प्याज एक बड़ी गड्ढी मैंने लेकर काट कर दो ऑयल के डाल के मैंने लाइट ब्राउन कर रही हूँ मैं प्याज को। ये प्याज को लाइट ब्राउन करने के बाद एक चम्मच मैंने डाला है रेड चिली पाउडर, एक चम्मच नमक का, और लाइट चूल्हे पर मैं इसको भून रही हूँ। इसमें मैं हल्दी भी ऐड करूँगी। हल्दी मैंने हाफ टी स्पून डाली है। टमाटर मैंने काट के डाल चुकी हूँ। अब मैं इसको लो हीट पर मसाला बनाऊँगी, मैश करूँगी अच्छी तरह, भूनूँगी मसाले को। व्यूअर्स, टमाटर हमारे मैश हो चुके थे, उसमें मैंने दाल डाली है जो मैंने एक घंटा पहले भिगोई थी। ये हाफ के जी दाल है, इसमें मैं पानी डाल के मीडियम फ्लेम पे छोड़ूंगी। दाल अगर अच्छी हो तो दाल जल्दी गल जाती है, तो मीडियम फ्लेम पे मैं छोड़ूंगी एक 15 मिनट के लिए। दाल रेडी हो रही है, बस एक 5 मिनट में उसको दम पे रख दूंगी। पानी सूख गया है, देखें। दाल हमारी बन चुकी है और मैं अब इसको डिश आउट करूंगी।